हेलो गाइस, वेलकम टू अगेंस्ट माय चैनल्स। एक्चुअली यार कुछ टाइम से बोलो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे एक्चुअली पुराने वाले जो फ़ोन थे वो डेड हो गए थे। तो मैंने रिसेंटली न्यू फ़ोन लेने गए तो उसकी भी अनबॉक्सिंग किया, तो मैंने आपके साथ सोचा कि शेयर करते हैं। तो मैंने एक्चुअली गया था मैं किसी और फ़ोन के लिए गए लेने के लिए, बट वहाँ पर जाके मैंने तो सोचा कि इससे अगर बेटर फ़ोन मिल रहा है तो मैं उसको चूज़ करता हूँ। तो मैंने वीवो को चूज़ किया, बट इसको चूज़ करने के बाद मेरे को प्रॉब्लम क्योंकि इसमें मेरे को फास्ट चार्जर भी मिला था। आजकल का सभी फ़ोन में फास्ट चार्जर आ रहा है, जो कि ये नॉर्मल सी बात है, बट इसके साथ हमको देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि मेरे को देख भी सकते हैं कि मेरे को क्या बोलते हैं USB केबल मिलता है, वो भी जो कि पोर्ट सी मिलती है। अभी ये भी नॉर्मल ही आजकल सभी फ़ोन में आ रहे हैं, 10,000 के फ़ोन में भी आ रहे हैं, बट इसके साथ हमको ईयरफोन भी मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी सारे फ़ोन तो जैसे ईयरफोन वगैरह चार्जर भी हटा ही चुके हैं, बट वीवो कंपनी ने अच्छे से ध्यान रखा ताकि अपने कस्टमर को मतलब कुछ चीज़ परचेस ना करने पड़े एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट बात यह है कि इसके साथ फास्ट चार्जर तो मिल ही रही है, और मतलब बहुत सारे मतलब मिल रहे थे, जैसे कि अगर हम इसको ऑनलाइन में परचेस करते हैं तो 21,000 के लगभग में है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। और इसमें मेरे को 2 वेरियंट कलर मिल रहा था, तो मैंने इसको वो वाली मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा वो ये कलर मैंने नहीं लिया, ब्लैक कलर लिया, क्योंकि मेरे को ब्लैक फ़ोन में ब्लैक ही पसंद आता है। और मेरा मतलब जब से मैं फ़ोन चलाता हूँ ब्लैक ही यूज़ करता हूँ। इसके बाद दुकान वाले भैया अपना बिल विल का जो भी प्रोसेस रहता है, अपना जो GST वगैरह सब के काट वाट के डिटेल वगैरह देख के फिर भरते हैं। उसके बाद मैं इसके आपके फ़ोन के कुछ खास फीचर्स वगैरह बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है, किस लिए मैंने वीवो को चूज़ किया। मैंने कुछ लेने वाला कुछ और था, मैं घर से सोच के गया था कि MI का Note 10 Pro लूँगा, बट शॉप में जाने के बाद मेरे को फीचर्स और भी अच्छे मिले। जैसे फीचर्स की अगर मैं बात करूँ कि मेरे को वीवो Y73 है ये मॉडल नंबर इसका, इसमें मेरे को 8GB RAM मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि मैं अगले जिस जो फ़ोन ले रहा था उससे मैं कंपेयर करूँ तो मेरे को 6GB RAM मिल रहा था, इसमें 8GB मिल रहा है। प्लस इसमें प्रॉफिट क्या है कि आपको 8GB RAM से आप 3GB मतलब बढ़ा भी सकते हैं। आपको ये इस फ़ोन में फीचर्स दिए हुए हैं कि अगर आपको मतलब RAM अगर भर गया ऐप भर दिए तो आप इसका मेमोरी का भी यूज़ कर सकते हैं आप, इंटरनल मेमोरी। और इसकी मतलब इंटरनल 128GB है आई थिंक, जो भी रहे हम आपको बॉक्स पर दिखा देंगे। इसका 128GB है इंटरनल्स और आपका 8GB रैम है, प्लस आप 3GB बॉक्स पे देखेंगे कि आप लिखा हुआ है कि आप 3GB इंटरनल स्टोरेज इसका बढ़ा सकते हैं इसका रैम। और इसकी खास बात तो बहुत सारे हैं आपको मतलब इसमें, जैसे कि मतलब अगर आप छोटे गेम वेम भी खेलते हैं तो गेम्स की भी बहुत सारे इसमें गेम बूस्टर भी है, आपको सारे मतलब चीज़ इसकी फैसिलिटी मिलती है। मतलब एक एक करके बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे, चलते हैं आगे की ओर, आपको बताते हैं ये बिल विल का मतलब प्रोसेस दिखते हैं और मतलब बताते हैं आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है। देख सकते हैं मतलब फ़ोन मतलब इतनी सिल्की थी, मतलब हाथ में लेने से मतलब और इतनी हल्की फ़ोन है, मतलब आगे वाली फ़ोन तो बहुत लाइट वेटली था, मतलब लगता था मतलब ज़्यादातर तक उसको हाथ में नहीं ले सकते थे, ऐसा मतलब लगता था वेट, मतलब कुछ ऐसा उठाइए अगर उस फ़ोन को उठाते तो मतलब ऐसा लगता है कुछ चीज़ उठाए हैं, बट इसको लाइट वेट था, मतलब इसको मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं था, इजीली आप ज़्यादातर तक कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में भी रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वेट का। इसके बाद अपना ऑटोग्राफ वगैरह लिया गया, मैंने आपको दे दिया। इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चल रहा, बैटरी वैटरी क्या चलता है, उसके बाद आप ये देखिए फिर बिल फाड़ के अपनी मतलब लेते हैं और सब कुछ मतलब सबमिट हुआ। ईयरफोन ये हो गया आपका डाटा केबल, ये हो गया आपका चेंज। तो ईयरफोन भैया ना किसी को दीजिएगा एक घंटा के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी मत दीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप का वीवो का डी वो दिया था सपना राम से, देख ले है अब तो काजल
आपको बता रहे हैं तो सब तरह से बताइए कि देंगे। ये आपका है डी, ये लेकिन लोग खरीदता है। देखियो भैया दो मिनट लगे, आधा घंटा सुन के दिलवावी थी औरंगाबाद से, तो दे दिलवा तो ले जाएगा ये वाला दे देगा। इसलिए हम आपको बता दें चूँकि बहुत सा चीज़ होता है। बदलिएगा ना इसका साउंड, इसका साउंड में आसमान जमीन कर हो जाएगा। सिंपिंग हो गया, सिंपिंग हो गया, ये नहीं घूम ही रहा है, ये चलते प्लास्टिक का से गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ पहले से। ये तो डिस्प्ले के नीचे रहता है, प्रोटेक्शन जो देता है ना, ये देखिए एक होता है फोल्डर, एक स्क्रेच कार्ड हो गया, फिर क्या बोलते हैं उसको टच कर रहे, इसके बाद फिर फोल्डर लगता है, सब उसमें वार्निंग गोरिल्ला ग्लास लगा। इसे आप तो इधर कोई लगाने के लिए कहता है कि हम लगा देंगे, कोई आदमी फिर ये केयर नहीं लगा सकता, केयर अति कंपनी में लगता है, केयर में भी नहीं औकात है उसको लगाने के लिए गोरिल्ला ग्लास। वो तो डिस्प्ले के साथ आता ना है, फोल्डर के साथ आता है अकॉर्डिंग हो रही है, लग कर के आता है वहीं से। इधर इसमें कौन सा ग्लास लगा हुआ है? इसमें आपको अकॉर्डिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो सब में मिलेगा, समझ गए, लेकिन वो सिर्फ कंपनी में लगता है, इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी आपको डिस्प्ले के ऊपर में लगता है, फिर आपका टच रहेगा, फिर आपका बात स्क्रेच गार्ड रहेगा, तो ऐसे खुले आँख से थोड़ी उसका फुल लगेगा। ऊपर का ये तो स्क्रेच गार्ड हो गया, देखिए उसके सेंसर पर सेंसर बनना है, कैमरा का कभी भी सेंसर बनना मत भूलिए। Anybody out there hear me, hear me?